सो हेलो गाइस, आज है 3rd ऑफ नवंबर। तो आज दिल्ली में मेरा आखिरी दिन है, मतलब कुछ ही घंटे बाकी है। अभी है सुबह के 4 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है। तो अभी हमारा कुछ 8 बजे का फ्लाइट है, तो हम लोग यहाँ से करीब 5 बजे निकल जाएंगे। तो रास्ते में जाते जाते जो भी व्लॉग बनता है मैं आपको दिखाता जाता हूँ, एंड घर पहुँच के भी उसको व्लॉग को एंड करूँगा, चाहे कहीं से भी जाए। तो चलिए फटाफट रेडी हो लेते हैं, क्योंकि वो लोग सारे रेडी हो चुके हैं। करीब हमको यहाँ से 5 बजे निकलना है, एंड अभी बहुत सारा काम है, थोड़ा सा छोटा मोटा पैकिंग है एंड बाकी सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं। एंड अगर ये मेरा दिल्ली में लास्ट डे है, एंड ये लास्ट ब्लॉग है, दिल्ली का लास्ट वीडियो है। तो अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। बहुत बुरा भी लग रहा है कि अच्छा लग रहा था दिल्ली में, जगह बहुत अच्छा है, मेरे को खुद को बहुत पसंद है ये जगह। तो चलिए देखते हैं। ছোট এয়ারলাইন্স এটা অনেক বড় ছিল। ছোট ছোট মনে হচ্ছে না প্লেন গুলো, কত সিট হবে, একটু বেশি সিট হবে বাবু, ছোট মনে হচ্ছে না প্লেন গুলো। এয়ার ইন্ডিয়া অনেক বড় হয় না? এয়ার ইন্ডিয়া আমার 256টা সিট, আমার যেটা দেখছি system will guide you to the nearest exit in an evacuation. A safety instruction card and an
এই তো কম মা দেখাচ্ছি তারা আমি কি বলো এটা করলাম हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर मतलब हमारे दमदम एयरपोर्ट पर तो अभी हम लोग यहां से जाएंगे लेकिन बात यह है कि वो लोग ओला पकड़ेंगे और मैं एयरपोर्ट एक नंबर गेट के पास जाएंगे और वहाँ से मैं बस पकड़ लूँगा क्योंकि लगेज ज़्यादा है और एक बात तो हुआ है बहुत बड़ा कि मेरा पावर बैंक ले लिया सो चलिए देखते हैं फाइनली अभी तो हम लोग यहाँ पर बौरमपुर आ गए एंड मेरे सारे दोस्त मुझे लेने आए तो 9 दिनों के बाद घर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड अभी चाय पी रहे हैं अभी माँ थोड़ा वेट कर रहे थे चलिए जल्दी घर चलते हैं एंड उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं ठीक है अभी हम लोग घर पहुँच गए एंड अभी बजे है शाम के करीब 7:15 एंड 7:30 बजे करीब पता नहीं कितने बजे हैं तो अभी मैंने फ्रेश मैश हो गया तो अभी थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो मैंने सोचा वीडियो के यहीं पर एंड कर ले मेरे दोस्तों ने आप लोगों ने देखा मेरे दोस्तों ने मुझे पिकअप कर लिया वहाँ से एंड अभी हम लोग थोड़ा सा गप्पे शप्पे मारेंगे एंड बहुत दिनों के बाद घर आने के बाद एक सुकून सा मिलता है जैसा कि आप लोग पता है करीब 9 दिन में पहली बार इतना दूर अपने मम्मी पापा से दूर गया थोड़ा सा घूमने के लिए ही सही लेकिन फिर भी दूर तो दूर ही होता है तो कैसा लगा आप लोग बता देना एंड प्रीवियस जो वीडियो है वो आप लोग देख लेना अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे थोड़ा सा बढ़ावा दे देना तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ तो टिल देन टाटा बाय बाय स्टे ट्यून्ड